जीआईटी के स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और एमएसवर्ड की क्लास में आज हम पढ़ने वाले हैं होम टैब में क्लिपबोर्ड ग्रुप फॉन्ट ग्रुप के बारे में, ठीक है। और आगे जो भी चलेगा, तो सबसे पहले प्रेस करना है विंडो के साथ आर, और एमएसवर्ड को ओपन करने के लिए क्या टाइप करना होता है? वीन वर्ड। क्या लिखते हैं? वीन वर्ड, WIN WRD। ओपन कर लिया, और जैसे वर्डपैड में पढ़े थे ना, एक एक होम टैब में कई सारी दी हुई थी, वैसे यहाँ पे भी पढ़ना है। तो होम टैब में पहला ग्रुप है जिसका नाम क्या है? क्लिपबोर्ड। क्या नाम है? क्लिपबोर्ड नाम। और क्लिपबोर्ड में कितनी चीजें पढ़नी है? कट, कॉपी, पेस्ट। एक नई चीज दिख रही होगी आपको, फॉर्मेट प्रिंटर। अगर आपको याद आ रहा होगा तो आपने देखा होगा कि वर्डपैड में फॉर्मेट प्रिंटर ऑप्शन नहीं था। Yes. नहीं था ना, देख लीजिए विंडो आर WORD वर्डपैड, देखिए कट कॉपी पेस्ट था। तो जाहिर सी बात है जब एप्लीकेशन बढ़ता जाता है तो उसमें ऑप्शंस, फैसिलिटीज सब बढ़ती है। जैसे मान लो हमने 300 का टी शर्ट लिया और 1000 का लिया है, अंतर होगा ना। 1000 वाला कंफर्टेबल होगा, अच्छा होगा, कलर उसका बढ़िया होगा, जो भी होगा हर चीज में। तो जब हम चीजें इंक्रीज करते हैं, चाहे अमाउंट में चाहे जनरेशन के हिसाब से, तो चीजें अपडेट मिलती हैं, है ना। जैसे पहले लोग पैंट पहनते थे तो इतनी चौड़ी मेमोरी होती थी नीचे वाली सलवार टाइप की, और अभी नॉर्मल आते हैं, पतली वाली लोग पहनते हैं। तो जनरेशन बदल रहा है, तो लोग डेवलप हो रहे हैं हर मामले में, है ना। चलिए, तो क्लिपबोर्ड ग्रुप में चार चीजें, कट कॉपी पेस्ट। चूंकि आप तीन के बारे में जानते हैं, कट करें तो भी पेस्ट करेंगे, कॉपी करें तो भी पेस्ट करेंगे, लेकिन अंतर क्या है कट और कॉपी में? एक सेकेंड, आप क्षमा और आप दोनों मिलके बताइए, कट और कॉपी में क्या डिफरेंस? बैठे बैठे बताइए, कोई दिक्कत नहीं, रिलैक्स हो जाइए, बताइए कट और कॉपी में क्या डिफरेंस? नहीं, ऐसे नहीं होता, आप ट्राई करिए। नहीं पता, सुन लीजिए। जैसे कि मान लीजिए ये दो लोकेशन है, एक लोकेशन ए है और एक लोकेशन क्या है? बी। और लोकेशन ए पे एक फोल्डर बना हुआ है जिसका नाम जीआईटी है। क्या नाम है? जीआईटी। एक फाइल है, इस फाइल को हमने कर लिया कट। क्या कर लिया? कट। और लोकेशन बी कहां से कट किए हैं? लोकेशन ए से। और लोकेशन बी पे लाके हमने कर दिया पेस्ट। क्या कर दिया? तो आप देखेंगे कि ये जीआईटी की फाइल यहाँ पे चली आएगी, कहाँ पे? लोकेशन बी पे। क्या किए हैं हम लोग? कट पेस्ट किए हैं। क्या किए हैं? तो अब ये फाइल लोकेशन ए पे नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि हमने कट किया है, अब कट किया है तो उसका लोकेशन चेंज हो गया। कहाँ चली गई है? हाँ, लोकेशन बी पे चली गई है, मतलब यहाँ पे आ गई, अब यहाँ पे नहीं रही। क्या किया मैंने? कट किया और पेस्ट किया। लेकिन अगर दूसरा कंडीशन समझिएगा, अगर मान लीजिए यहाँ पे एक फोल्डर था लोकेशन ए पे जीआईटी के नाम से, और हमने इसको क्या कर लिया, इस बार कट नहीं, इस बार क्या कर लिया, कॉपी कर लिया और लोकेशन बी पे लाके पेस्ट कर दिया, तो आप क्या देखेंगे कि यहाँ पे आ गया फोल्डर, यहाँ पे भी रहेगा और यहाँ पे भी रहेगा, मतलब कि दोनों लोकेशन पे रहेगा। लेकिन कट करने से क्या दिक्कत है? अब एक बात बताइए, ये रिमोट है, अगर मैं इसको कट करके वहां पेस्ट कर दूं तो रिमोट यही रहेगा कि वहां चला जाएगा? यहाँ रहेगा, नहीं रहेगा, कट करके पेस्ट किए तो। लेकिन अगर हम कॉपी करके पेस्ट करें तो रिमोट यहाँ भी रहेगा, वहां भी रहेगा। बात क्लियर है ना? ठीक है, तो कट कॉपी में समझ में आ गया ना। और एक चीज आप देख रहे होंगे, कट कर रहे हैं तो भी पेस्ट कर रहे हैं और कॉपी कर रहे हैं। और एक मैंने क्वेश्चन भी पूछा था, क्वेश्चन क्या पूछा था कि मान लीजिए ये तीन लाइनें लिखी हुई हैं, ये तीन लाइनें, और कोई ये कह रहा है आपसे कि जो पहली लाइन है वो तीसरी पे होनी चाहिए थी और आपने गलती से पहले पे लिख दिया, कहाँ होनी चाहिए थी? तो इस सिचुएशन पे आप कौन सा ऑप्शन यूज करेंगे, कॉपी पेस्ट या कट पेस्ट? अच्छा बताइए क्यों कट पेस्ट? क्योंकि पहली लाइन तीसरे पे चाहिए, यानी यहाँ नहीं होनी चाहिए, तो यहाँ से हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? कट ऑप्शन करेंगे। कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं हम, कॉपी पेस्ट करके ऊपर वाला मिटा देंगे, लेकिन ये लंबा प्रोसेस हो गया ना, हमको शॉर्ट प्रोसेस चाहिए जिससे हम इजीली सॉल्यूशन दे पाए। समझ रहे ना बात को? ठीक है, तो आपको ये तीन चीजें समझ में आ गई होगी, कट कॉपी पेस्ट। कोई दिक्कत? एक नया दिख रहा है इसमें जिसका नाम है फॉर्मेट प्रिंटर। क्या नाम है? फॉर्मेट प्रिंटर नाम है। और फॉर्मेट प्रिंटर की शॉर्टकट की होती है Ctrl+Shift+ क्या C, लिख लीजिए। तो
लिख लीजिए। कहां से आप लोग रुक रुक के आ रहे हैं? हो गया। अब लिखिएगा फॉर्मेट प्रिंटर हेडिंग बना के नीचे लिखिएगा उसके कि फॉर्मेट प्रिंटर किसी भी फॉर्मेटिंग को कॉपी करने के लिए यूज किया जाता है। फॉर्मेट प्रिंटर किसी भी फॉर्मेटिंग को कॉपी करने के लिए यूज किया जाता है। फॉर्मेट प्रिंटर किसी भी फॉर्मेटिंग को, फॉर्मेटिंग की स्पेलिंग लिख लेंगे आप लोग ना, किसी भी फॉर्मेटिंग को कॉपी करने के लिए किया जाता है। हो गया, लाइन चेंज करिएगा और इसकी मदद से कामा कर ले लीजिएगा और इसकी मदद से, और इसकी मदद से हम कॉपी की हुई फॉर्मेटिंग को, कॉपी की हुई फॉर्मेटिंग को हम किसी पैराग्राफ, पैराग्राफ कामा सेंटेंस कामा वर्ड पर अप्लाई कर सकते हैं, हो गया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे। इसके बारे में अभी मैं थोड़ा प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। अच्छा, कल आप लोग पढ़े थे कि कोई भी फार्मूला लाने से पहले क्या करना होता है, इक्वल टू का साइन लगाना होता है। फार्मूला लाने की शॉर्ट क्या होता है, फार्मूला क्या होता है डाटा लाने के लिए? रैंड, हाँ, इक्वल टू रैंड ब्रैकेट ओपन। हाँ, बिना कुछ लिखे भी कर देंगे। अगर हमें ज्यादा पेज का डाटा चाहिए हो तो क्या होगा, नंबर कुछ लिख लीजिए उसमें। हाँ, इंटर कर दिए, डाटा आ गया। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब आ जाते हैं फॉन्ट ग्रुप में, किसमें? पहला ऑप्शन दिया है बी। बी फॉर क्या होता है, बोल्ड होता है। बोल्ड का मतलब क्या होता है, किसी चीज को हम मोटा कर सकते हैं। उसकी शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल। देखिए सब बता रहा है, तो जो लोग नहीं लिखे होंगे शॉर्टकट की वो आ जाएंगे प्रैक्टिकल जब करेंगे, तो जब पॉइंटर ले जाएंगे जिसपे ना, जिसकी शॉर्टकट की होती है उसका शॉर्टकट की भी दिखाएगा, उसका नाम क्या है वो भी दिखाएगा। देखिए दिखा रहा है बोल्ड और कंट्रोल बी, तो जो लोग नहीं लिखे होंगे वहां बैठ के लिखेंगे। अच्छा, बोल्ड का यूज किस लिए किया जाता है, किसी भी चीज को मोटा करने के लिए। जैसे मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया और बोल्ड भी क्लिक किया, देखिए ये बाकी की अपेक्षा ये डार्क दिख रहा होगा, मोटा दिख रहा होगा, दिख रहा है ना? ठीक है, उसके बगल में क्या दिया हुआ है, आई। आई फॉर क्या होता है, इटैलिक होता है। शॉर्टकट की क्या होते हैं, कंट्रोल प्लस आई होता है। क्या होता है, इटैलिक आई से स्टार्ट होता है, कंट्रोल प्लस आई इसकी शॉर्टकट की होती है। ठीक है, मतलब कि आप इसको इटैलिक कर सकते हैं, मतलब थोड़ा कर्सिव राइटिंग में आगे झुका के। देखिए ये देखिए अभी नॉर्मल है, ये झुक गया है, नॉर्मल है झुक गया है। ठीक है, कर लेंगे ना। उसके बगल में दिया यू। यू फॉर क्या होता है, अंडरलाइन। उसकी शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल प्लस यू। लेकिन वर्डपैड में बस अंडरलाइन के बारे में जिक्र किया गया था, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन थोड़ा अपडेट कर दिया गया है कि आपको कैसे अंडरलाइन चाहिए, डॉटेड
या पूरा डबल लाइन में, या जिगजैग मोशन में, या कलर चेंज करने अंडरलाइन का, ये सारे ऑप्शंस यहाँ दिए गए हैं एमएस वर्ड में, जबकि ऐसा वर्डपैड में बिल्कुल भी नहीं था। आप देखिए यहाँ पे हम अंडरलाइन पे क्लिक करें, अंडरलाइन लग गई देखिए, और इसी क्लिक करें हट भी जा रही है। और अगर हमें चेंज करनी है तो यहाँ डॉट ऑन लिस्ट बना, देखिए ये देखिए डबल अंडरलाइन, ठीक अंडरलाइन, डॉटेड, डैश, जिगजैग, या कलर चेंज करना है तो कहाँ जाएंगे, अंडरलाइन कलर पे कलर चेंज कर लीजिए, देखिए कलर चेंज हो जाए, हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ऐसे आप काम कर सकते हैं बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन का कर लेंगे। अच्छा अंडरलाइन वाला ऑप्शन इतना ऑप्शन वर्डपैड में खुल रहा था नहीं, लेकिन यहाँ पे है, क्योंकि जैसे जैसे हम सॉफ्टवेयर आगे बढ़ेंगे फैसिलिटीज और ऑप्शंस बेहतर आएंगे और हम और बेहतर होते जाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत है? चलिए उसके बगल में दिया हुआ एबीसी, इसका नाम क्या होता है? अरे ऐसा लिखा रहा था, इसको क्या बोलते हैं? मान लो एबीसी लिखा है, ए बी सी, और बी से काट दिया, इसको क्या बोलते हैं? स्ट्राइक थ्रू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्ट्राइक थ्रू बोलते हैं। इसका यूज कहाँ होता है? एमआरपी वगैरह में होता है, प्राइस वगैरह देना हो तो वहां पे किया जाता है। स्ट्राइक थ्रू नाम है, क्या नाम है इसका? स्ट्राइक थ्रू नाम है, कर लेंगे यूज ना, इसकी कोई शॉर्टकट की नहीं, ठीक है। उसके बगल में दिया हुआ है X2, क्या दिया हुआ है? X2 बताया था ना, X2 का मतलब क्या होता है? तो मैं बताया था कि एक X2 होता है और एक X2 होता है। X2 को क्या बोला जाता है? सबस्क्रिप्ट। क्या बोला जाता है? सबस्क्रिप्ट। और X2 को क्या बोला जाता है? ऊपर है तो सुपर है, ऊपर है तो सुपर है। आप लोग बना लीजिएगा, आप लोग भी बना लीजिएगा, A² है तो बना है, तो अगर ऊपर रहेगा तो सुपर स्क्रिप्ट, नीचे रहेगा तो सब स्क्रिप्ट। जिनको पता होगा ठीक है, जिनको नहीं पता होगा वो नोट कर लेंगे। हो गया, चलिए। और मैंने कहा था इन दोनों का यूज कहाँ है, थोड़ा तो समझते हैं एक बार फिर से। तो मैंने बताया था आप लोगों को कि इसका यूज, सब स्क्रिप्ट का यूज कहाँ होता है, केमिस्ट्री टर्म वगैरह में। जैसे मान लो CO2 लिखना है, CO2, क्या इस CO2 लग रहा है? नहीं, तो 2 को सिलेक्ट करेंगे, या तो शॉर्टकट की का यूज कर लीजिए, बताया है Ctrl+ = होता है, या इस पे क्लिक कर दीजिए, इस पे देखिए अभी C2 लग रहा है ना, लग रहा है ना, यानी सब स्क्रिप्ट का इस्तेमाल कहाँ होता है? केमिस्ट्री टर्म में। कहाँ और भी होता होगा, लेकिन जो हमने एग्जांपल देखा वो मैंने बता दिया आपको। और उसके बगल में जो बना हुआ है उसका है सुपर स्क्रिप्ट, क्या नाम है इसका? इसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+Shift++। जैसे मान लो हमें लिखना है A²+B², क्या A²B² लग रहा है? नहीं लग रहा है, टू को सिलेक्ट करेंगे और इस पर क्लिक कर देंगे, देखिए अब लग रहा है। तो इनका यूज मैथमेटिकल प्रोपोर्शन में किया जाता है और इनका यूज केमिस्ट्री प्रोपोर्शन में। दोनों का नाम याद कर लेना है, और शॉर्टकट की जिसमें नीचे रहेगा उसे सब स्क्रिप्ट, जिसका ऊपर है उस ऊपर है, ऊपर सुपर, दिमाग में रखिएगा, ठीक है, और शॉर्टकट की याद होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद से क्या दिया हुआ है? उसके बाद क्या दिया हुआ है? ये दिया हुआ है, जैसे मान लो मैंने लिख दिया SRV, और ये दिया हुआ है, और इसको छोटा बड़ा जो भी करना है, तो यहाँ पे दिया हुआ है, देख सकते हैं आप लोग, दो ए बना हुआ है, एक ए बना हुआ है जिसपे सीधा ट्राइंगल बना हुआ है, त्रिभुज ऐसे, और एक ए जो बना हुआ है उसपे उल्टा ट्राइंगल बना हुआ है। क्यों? क्योंकि जो ये ऊपर वाला है ये बड़ा करने के लिए, इसको बोलते हैं हम लोग ग्रो फॉन्ट, क्या बोला जाता है? ग्रो फॉन्ट। और जो नीचे यानी छोटा करने वाला है उसे हम बोलते हैं श्रिंक फॉन्ट, क्या बोलते हैं इसको? श्रिंक फॉन्ट बोलते हैं। तो श्रिंक फॉन्ट अक्षर को छोटा करता है, और वो है ठीक है, और ग्रो फॉन्ट अक्षर को बड़ा करता है, बात क्लियर है? चलिए दूसरी चीज कि इसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+ग्रेटर देन, मैंने कहा था ग्रेटर देन का सिंबल बनाया जाता है, Ctrl+CTRL+ या L है, प्लस क्या
ग्रेटर देन, यही सिंबल है, बड़ा का सिंबल है, और इसका होता है कंट्रोल प्लस क्या, लेस देन, लेस देन। कोई एक सिंबल याद कर लीजिए, हमेशा एक याद करिए, बड़ा बड़ा वाला, जो बाएं साइड में मुंह खोलेगा लेफ्ट साइड में, वो बड़ा वाला सिंबल है ग्रेटर देन का। अब ये बात जानते हैं कि हम बताते हैं कंट्रोल प्लस ग्रेटर देन या कंट्रोल प्लस लेस देन, लेकिन जब इस्तेमाल करेंगे तो शिफ्ट का यूज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जिसपे दो चीजें बनी हुई हैं, ग्रेटर देन का सिंबल भी बना हुआ है, फुल स्टॉप भी बना हुआ है, तो जब हम इस बटन को दबाएंगे तो हमेशा नीचे वाली चीज आएंगी, और शिफ्ट के साथ दबाएंगे तो जब इस बटन का यूज करेंगे तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन दबाएंगे, है ना? लेकिन बताएंगे क्या कंट्रोल प्लस ग्रेटर देन? क्यों शिफ्ट नहीं बताएंगे? क्योंकि शिफ्ट एक जरिया है ऊपर वाली चीजें लाने का। शिफ्ट क्या है? ऊपर वाली चीजें लाने की। जिनको पता है ठीक है, जिनको नहीं पता है वो नोट कर लीजिए इसको। हो गया? चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे। हाँ, यहाँ वापस आ जाते हैं। तो ग्रो फास्ट इनवर्स समझ में आ गया? अभी डबल ए लिखा हुआ है यहाँ पे, क्या लिखा हुआ है? डबल ए। डबल ए का क्या मतलब है? डबल ए का मतलब होता है, इसका नाम है जिसमें डबल ए बना हुआ है, इसको हम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं केस। क्या बोलते हैं? एक केस इंग्लिश में भी होता है, हिंदी में, इंग्लिश हिंदी दोनों में होता है, जिसको लोग कारक बोलते हैं, कर्ता ने कर्म को करण से पढ़े होंगे आप लोग। हाँ, लेकिन ये वाला वो केस नहीं है। यहाँ केस है लेटर को लेके, अल्फाबेट्स लेटर को लेके। तो तीन केस आप पढ़ेंगे, कौन कौन से? चार होते हैं, लेकिन अपने वहां तीन ही यूज होते हैं। कौन कौन से? अपर, लोअर और सेंटेंस। और यू फॉर क्या है? अपर। अपर केस में क्या होता है? सारे लेटर कैपिटल होते हैं, जो भी लिखेंगे सब बड़ा बड़ा होगा, कैपिटल लेटर। लोअर में क्या होगा? सारा स्मॉल होगा। और सेंटेंस में क्या होगा? पहला कैपिटल, बाकी सब। ये तो बचपन से आपको सिखाया गया है कि कोई नाम लिखते हैं तो हम पहला लेटर कैपिटल और बाकी स्मॉल लिखते हैं, बस। तो बताइए, हमारा डॉक्यूमेंट बाय डिफॉल्ट किस केस में लिखते हैं हम लोग? ना अपर में ना लोअर में, किसमें लिखते हैं? सेंटेंस को एक और चीज कहा जाता है, कहा जाता है प्रॉपर। क्या कहा जाता है? तो लिख लीजिएगा, तीन केस होते हैं, अपर, लोअर, सेंटेंस। एग्जाम्पल के लिए डबल ए कैपिटल लेटर में, स्मॉल ए में डबल ए, और इसमें कैपिटल और स्मॉल ए दोनों लिख लीजिए। हो गया? और एक लाइन लिख लीजिएगा कि हमारा डॉक्यूमेंट जो होता है वो बाय डिफॉल्ट सेंटेंस केस में होता है, ऐसा लिख लीजिएगा एक लाइन में।
चलिए, तो सेंटेंस केस को और क्या बोलते हैं हम लोग? प्रॉपर केस बोल सकते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, एक और केस होता है जिसका नाम टॉगल है। क्या नाम है उसका? टॉगल केस। लेकिन ये सॉफ्टवेयर कहाँ का है बताइए? एमएस ऑफिस सॉफ्टवेयर कहाँ का है? अमेरिका का है। कहाँ है एमएस ऑफिस? कहाँ का है? माइक्रोसॉफ्ट एक अमेरिका का सॉफ्टवेयर है। और टॉगल केस में क्या होता है? पहले लेटर इकमाल होता है और बाकी सारे कैपिटल। तो कहीं ऐसा फॉर्मेटिंग आज तक देखे हैं आप लोग, या आप लोग लिखते होंगे, इसीलिए इस केस को ध्यान नहीं दिया जाता, लेकिन फिर भी लिख लीजिएगा। टॉगल केस, पहला इस्तेमाल बाकी सारे कैपिटल। हो गया? चलिए, तो चेक कर लेते हैं कि क्या क्या चीजें दी हुई हैं उसमें। आइए लेट देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने इसको सिलेक्ट किया, अभी चेक कर लीजिए बाय डिफॉल्ट कौन से केस में। देखिए, सेंटेंस लोअर अपर कैपिटल जो भी टॉगल ये है। अच्छा, मैंने क्या कर दिया इसको? अपर केस कर दिया। देखिए, सारे लेटर कैपिटल हो गए। देखिए, ये सारे स्मॉल में, स्मॉल में दिख रहे हैं, ये कैपिटल में दिख रहे होंगे, दिख रहे हैं। अच्छा, मैं लोअर में कर दे रहा हूँ। लोअर में क्या होगा? सारे। अच्छा, बता, कोई अंडरलाइन तो नहीं दिख रहा है ना इसमें, किसी वर्ड के नीचे नहीं दिख रही है, तो मैंने लोअर कर दिया। अब तो मैंने एक दिन कहा था, नहीं कहा था तो अभी सुन लो, किसी भी वर्ड के नीचे दो लाइनें बनती हैं, या तो ब्लू लाइन जो पहले ग्रीन बनती थी अब ब्लू में कन्वर्ट हो गई है, या तो ब्लू लाइन बनेगा या तो रेड लाइन बनेगा। किसी भी वर्ड के नीचे कितनी लाइन बन सकती है? अगर बनती या तो बनेंगी ही नहीं, और बनेंगी तो दो ही लाइन बनेगी, या तो ब्लू बनेगा या तो रेड बनेगा। ब्लू का मतलब कि जब ग्रामर की दिक्कत होती है तो ब्लू लाइन बनती है। व्याकरण की मतलब, आपके नाम का पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए था और आपने स्मॉल लिख दिया, तो ग्रामेटिकली इधर हो गया, तो रेड लाइन बन गया, ब्लू लाइन बन गई। या सेंटेंस का पहला लेटर कैपिटल लिखना था, आपने स्मॉल लिख दिया तो बन गई। और रेड लाइन तब बनती है जब आप कोई शब्द गलत लिखते हैं। जैसे अगर मैं अपना नाम लिखूं सर्वे, तो उसके नीचे अंडरलाइन बन जाएगा रेड में। क्यों? क्योंकि कहेगा सर्वे, भले से मैंने स्पेलिंग सही लिखी सर्वेज की, लेकिन वो रेड लाइन बन जाएगा, क्योंकि सर्वेश नाम एक हिंदी नाम है और वहां की डिक्शनरी में ऐसा कोई नाम नहीं है, इसीलिए वो रेड लाइन बन जाएगा। वहां देखते हैं ना, सारे नाम इंग्लिश होते हैं, रिचर्डसन, विलियमसन, या अपने वहां भी कुछ नाम ऐसे हैं जो इंग्लिश नेम है, जैसे हाँ हाँ एंजल, हाँ प्रिंस हो गया, एंजल हो गया, हाँ क्या माइकल, माइकल कोई इंग्लिश वर्ड नहीं है, क्रिश्चियन नाम है, सृष्टि भी नहीं है। क्या बात है? सृष्टि का नाम कौन है? सृष्टि कहाँ इंग्लिश इंग्लिश के? पता नहीं वैसे है कि क्या बात है, मुझे क्या पता भाई, सृष्टि वैसे इंग्लिश नेम कहाँ है? इंग्लिश नेम में ब्यूटी हो सकता है, ब्यूटी हो गई, ब्यूटी का मतलब सुंदरता होता है, ब्यूटी हो सकता है, और प्रिंस बताया ही हूँ, और भी ऐसे नाम हो सकते हैं जो इंग्लिश नेम है, ठीक है, जिसका कोई अर्थ निकलता हो वो इंग्लिश नेम है, तो सब के नीचे नहीं बनेगा। चलिए ठीक है, तो ये ब्लू लाइन सिर्फ इसीलिए आ रही है क्योंकि देखिए, सेंटेंस का पहला लेटर है जिसमें वीडियो का भी कैपिटल होना चाहिए और इसमें स्मॉल हो गया, इसीलिए लाइन बन गई है। तो जैसे ही इनको सिलेक्ट करके सेंटेंस केस में चेंज करेंगे, इस जो भी इरर आ रहा है सब खत्म हो जाएगा। देखिए, अब कोई इरर नहीं आ रहा है, मतलब वो सारे इरर इसलिए आ रहे थे क्योंकि ग्रामेटिकल इरर हो रहा था। क्या हो रहा था? तो आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि दो लाइनें बनती हैं, एक रेड और एक ब्लू, ब्लू ग्रामर की रही है और रेड लाइन वो वर्ड गलत है इसलिए।
हो गया, कोई डाउट है यहां तक? चलिए और जैसे वर्ड पैड में आप फॉन्ट का कलर चेंज कर सकते हैं, यहां से भी कलर चेंज कर सकते हैं। देखिए यहाँ कलर चेंज हो जाते हैं, कलर चेंज हो गया, हाँ कलर चेंज कर सकते हैं। और यहाँ हाइलाइटर वहां पे भी दिया था, यहाँ से हाइलाइट कर सकते हैं। देखिए तो चलिए आप बताइएगा हमने कितनी फॉर्मेटिंग की, ये सारी क्या कहलाती है? आप किसी अक्षर का कलर बदल दें, बोल्ड कर दें, टेढ़ा कर दें, बड़ा कर दें, ये सब क्या कहलाता है? फॉर्मेटिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? सब सामने देखिए, अब हमने इस पैराग्राफ को सिलेक्ट किया, सभी सामने देखेंगे, हमने इस पैराग्राफ को सिलेक्ट किया और हमने इसको कर दिया बोल्ड। एक फॉर्मेटिंग कर लिए, काउंट करते रहिएगा, इटैलिक 2, अंडरलाइन 3, कलर चेंज कर दिया 4, हाईलाइट कर दिया 5, कितनी चेंजिंग की हमने? अच्छा लेट एज्यूम कि हम भूल गए कहाँ से किए हैं, लेकिन ये जो भी फॉर्मेटिंग हुई है मुझे बहुत अच्छी लग रही है। ऐसा मान लीजिए कि आपको बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन ये फॉर्मेटिंग कहाँ से हुई हमको पता ही नहीं है। पता होगा तब तो हम कर पाएंगे, पता ही नहीं। तो अगर यही फॉर्मेटिंग मुझे बहुत अच्छी लग रही है और इस सेम फॉर्मेटिंग हमको तीसरा पैराग्राफ पे लगाना है, तो ऐसे कंडीशन में हम फॉर्मेट पेंटर का मदद लेते हैं। क्योंकि फॉर्मेट पेंटर का काम क्या होता है? किसी भी फॉर्मेटिंग को कॉपी करना। अभी लिखवाया है ना, तो बस इसको सिलेक्ट करिए कि अभी हमारा पॉइंटर नॉर्मल दिख रहा है। देखिए नॉर्मल है, कुछ इसके साथ कुछ दिख रहा है, अकेला दिख रहा है ना। जैसे ही हम पैराग्राफ को सिलेक्ट करेंगे और फॉर्मेट पेंटर को कर देंगे ऑन, जैसे ही ऑन करेंगे, जिसको आप सिलेक्ट किए हैं उसकी फॉर्मेटिंग कॉपी हो जाएगी। अब देखिएगा एक ब्रश आ गया होगा, कुछ दिख रहा है इसके साथ। अब जिस पैराग्राफ पे अप्लाई करना है बस उस पैराग्राफ को सिलेक्ट करिए और जैसे ही आपकी उंगली हटेगी माउस से, समझ में आ गया क्या है फॉर्मेट प्रिंटर? इस फॉर्मेटिंग को कॉपी किया है और उसकी मदद से वही फॉर्मेटिंग हम किसी और पे अप्लाई कर देंगे। सिर्फ इसी पे नहीं, मान लो पीछे हमने कर दिया, जरूरी नहीं है पूरे पैराग्राफ पे ही करें, हम एक एक वर्ड पे करना चाहते हैं, प्रोड्यूस पे। देखिए प्रोड्यूस पे हो जाएगा, देख रहे हैं ना। तो फॉर्मेट प्रिंटर का यूज कितने लोग समझ में आ गया? आया पक्का है ना? ठीक, मतलब फॉर्मेट प्रिंटर का यूज क्या है? किसी भी फॉर्मेटिंग को कॉपी करना और उसकी मदद से आप वो सेम फॉर्मेटिंग किसी और पैराग्राफ पे या लाइन पे या वर्ड पे अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत? अच्छा इसमें हमने 5 फॉर्मेटिंग की है, क्या क्या? बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, कलर चेंज किया है और उसके बैकग्राउंड को हाईलाइट कर दिया, हाईलाइटर लगा दिया, ये है ना। यहाँ एक शब्द दिया है जिसका नाम है क्लियर फॉर्मेटिंग। क्या नाम है? तो क्लियर फॉर्मेटिंग नाम से पता चल रहा है कि फॉर्मेटिंग को क्लियर करने के लिए यूज किया जाता होगा। क्यों, सही लग रहा है? क्लियर फॉर्मेटिंग का यूज क्या होता है? फॉर्मेटिंग को क्लियर करने के लिए, किस लिए? तो चलिए हमने इसको सिलेक्ट कर दिया और क्लियर फॉर्मेटिंग पे कर दिया क्लिक, आपको देखिएगा क्या। हाँ लेकिन क्लियर फॉर्मेटिंग का जो यहाँ पे क्लियर फॉर्मेटिंग दिया है उसकी एक कमी है कि एक चीज को नहीं करता है। क्या नहीं करता है आपको देखिएगा, जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा देखिए क्या हो रहा है, क्या हुआ देखिए, इन दोनों में अंतर खुद देख लीजिए, आप दोनों में अंतर समझ में आ जाएगा। कलर चेंज हो गया है, बोल्ड था हट गया है, इटैलिक हट गया है, अंडरलाइन हट गया है, क्या नहीं हटा है? यानी क्लियर फॉर्मेटिंग सिर्फ टेक्स्ट की यानी अक्षर की फॉर्मेटिंग को चेंज करता है, उसके बैकग्राउंड को नहीं चेंज करता है। तो एक लाइन लिख लीजिएगा, क्लियर फॉर्मेटिंग सिर्फ टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग को क्लियर करता है, उसके बैकग्राउंड को नहीं। क्लियर फॉर्मेटिंग सिर्फ टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग को क्लियर करता है, उसके बैकग्राउंड को नहीं। क्लियर फॉर्मेटिंग सिर्फ टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग को क्लियर करता है, उसके बैकग्राउंड को नहीं। आ गए समझ में, कर लेंगे ना। चलिए तो रही बात, अगर क्लियर फॉर्मेटिंग सिर्फ उसको करता है तो बैकग्राउंड हटाएंगे कैसे? सब सामने देखिए, फिर से हम पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, और कहां से इसको कलर किए थे? टेक्स्ट हाइलाइटर से ही था ना, क्या नाम क्या है? टेक्स्ट हाइलाइटर, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ एक ऑप्शन होगा क्या, बस हो गया, देखिए कर लेंगे ना। तो इसमें सारे ऑप्शन खत्म हो गए, अब एक और ऑप्शन बचा हुआ है लास्ट, इसको बोलते हैं फॉन्ट, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, टेक्स्ट इफेक्ट। क्या बोलते हैं?
यानी अगर आपको अक्षर पे कोई इफेक्ट लगाना है, कोई प्रभाव लगाना है तो लगा सकते हैं। कैसे, देखिए खुद क्लिक करिए, बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं, देखिए अलग अलग रहे हाँ, या आप रिफ्लेक्शन चाहते हैं, रिफ्लेक्शन कि नीचे बन जाए उसका लिखा हुआ मैटर, देखिए ऊपर लिखा हुआ नीचे उसका परछाई बन रहा है, रिफ्लेक्शन बन रहा है। तो ऐसे कंटेंट अगर लिखने हो तो कर सकते हैं, और नहीं तो नहीं करेंगे, क्योंकि हमेशा डॉक्यूमेंट नॉर्मल तरीके होना चाहिए। लेकिन आपको करना होगा अगर, तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, देख रहे ना, शेडो लगा सकते हैं। शेडो का मतलब क्या होता है, परछाई, देखिए कर लेंगे ना, हो जाएगा। तो आज की क्लास में आपको यही दो ग्रुप्स करना है प्रैक्टिकल, कौन कौन सा, क्लिपबोर्ड और एक एक अक्षर आप एक एक पॉइंट करके देखिएगा, नहीं आएगा तो पूछ लीजिएगा, लेकिन खुद से करिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।